सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि यूली योंजो और रिन को एक रूम में बंद कर चुकी थी, जिसके चलते योंजो और रिन को पूरी रात उस रूम में गुजारना पड़ता है। वेल, रात होने के बाद रिन को काफ़ी भूख लग रही थी, जिस पर योंजो अपने लाए हुए स्नैक्स रिन को सौंप देता है। लेकिन यहाँ पर योंजो को भी भूख लग रही थी। वेल, यहाँ पर योंजो का इतना काइंड नेचर देखकर रिन योंजो के साथ वो स्नैक्स मिल बांटकर खाती है। विलब आ जाता है इनका सोने का टाइम, जहाँ पर रिन को अंधेरे से काफ़ी डर लगता था, जिसके चलते रिन सो भी नहीं पा रही थी। विल योंजो ये चीज़ देखकर रिन पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर वो थोड़ी देर और जगी रही तो कहीं योंजो उसके साथ कुछ करना ले, जिस पर रिन काफ़ी डर जाती है और तुरंत ही सो जाती है। विलब रात से सुबह हो चुकी थी, जहाँ पर योंजो और रिन एक दूसरे से चिपक के सोए पड़े थे। वहीं पर असिस्टेंटों को भी मालूम पड़ चुका था कि योंजो और रिन कमरे में बंद है, जिसके चलते वो तुरंत ही रूम का गेट खोल देते हैं। लेकिन योंजो और रिन को ना करीब देखकर तुरंत ही रूम से भाग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रिन के फादर नान भी योंजो और रिन को एक दूसरे के करीब देख लेते हैं। लेकिन नान रिन को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि रिन को एक अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, ताकि रिन की फैमिली भी कंप्लीट हो सके। और नान की नज़रों में योंजो से अच्छा पर्सन अभी तक कोई नहीं है। मतलब जब रिन ऑफिस जाती है तो यहाँ पर रिन के असिस्टेंट रिन को इन्फॉर्म करती है कि लिनचेन का रिन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, लिनचेन का लेना देना योंजो से है। एक्चुअली में लिनचेन योंजो की बेटी की रियल मदर है, लेकिन आज तक कभी भी योंजो और लिनचेन ने एक दूसरे से शादी नहीं करी। यहाँ पर को लगने लगता है कि शायद से लिनचेन योंजो और रिन के रिलेशन को गलत समझ रही थी, जिसके चलते उसने रिन को मारने की कोशिश करी। जिसके बाद रिन अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन योंजो को प्रोवाइड कर ले, क्योंकि ये योंजो के घर का मैटर है, तो योंजो इसको खुद से ही डील कर लेगा। योंजो को जब इन सब चीज़ों के बारे में मालूम पड़ता है तो योंजो तुरंत लिनचेन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वेल, लिनचेन तो काफ़ी खुश थी, उसे लग रहा था कि शायद से योंजो मुझसे प्यार करने लग गया है, जिसके चलते आज पहली बार योंजो मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। लेकिन लिनचेन को थोड़ा ना पता था कि जैसे ही वो ऑफिस पहुंचेगी तो योंजो अपने गुस्से की बरसात लिनचेन के ऊपर करना शुरू कर देगा। यहाँ पर योंजो को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि लिनचेन जैसी औरत किसी को मारने की भी सोच सकती है, जिसके चलते योंजो लिनचेन को साफ कह देता है कि वो आज के बाद उनके घर पर ना आए। जिस पर लिनचेन योंजो के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाने की कोशिश करती है, उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन योंजो लिनचेन की एक नहीं सुनता कि तभी वहाँ पर यूली आ जाती है। यहाँ पर यूली को देख कर लिनचेन यूली से भी कहने लगती है कि देखो, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को से अलग कर रहे हैं। लेकिन यूली को भी लिनचेन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, जिसके चलते यूली भी साफ साफ लिनचेन से कह देती है कि मुझे तो डैड पसंद है, ना कि आप। जब लिनचेन नोटिस करती है कि उसका सपोर्ट कोई नहीं कर रहा, जिसके चलते लिनचेन को अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, और ये सारा गुस्सा लिनचेन जाकर यूली पर उतारती है। विल यहाँ पर लिनचेन यूली का हाथ काफ़ी तेज दबा देती है, जिसके चलते यूली के हाथों में निशान पड़ जाते हैं। और जैसे ही योंजुन की नज़र यूली के निशान पर पड़ती है तो योंजुन का एंगर लेवल डबल ट्रिपल बढ़ जाता है। यहाँ पर योंजुन लिनचेन को साफ कह देता है कि वो उससे और उसकी बेटी से दूर रहे, साथ साथ आज के बाद कभी भी लिनचेन उनके घर में ना आए। और ये सब कुछ सुनाने के बाद योंजुन तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाता है, लिनचेन को अकेला छोड़कर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिन अपने घर के लिए निकल ही रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर कोई आकर रिन को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर रिन की जब आँख खुलती है तो यहाँ पर रिन देखती है कि उसे किडनैप करने वाली और कोई नहीं, जिनी है। जिनी चाहती थी रिन से बदला लेना, क्योंकि जिनी को लगता था कि वांग ने जो कुछ भी जिनी के साथ करा उन सब चीज़ की जिम्मेदार रिन है, बट एक्चुअली में तो जिनी अपने ही करतूतों की वजह से फंसी थी। यहाँ पर जिनी रिन को सबक सिखाने के लिए अपने साथ दो लड़के भी लेके आई हुई थी, जिनमें से एक तो कैमरामैन था, जो कि रिन की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था, ताकि वो वीडियो को वायरल करके रिन की इज्जत उछाली जा सके। वहीं पे दूसरा जो बंदा था वो उस होटल मैनेजर का भाई था, जो कि रिन के साथ बदतमीजी करने वाला था। वेल, जिनी तो वहां से निकल जाती है रिन को उन आदमियों के हाथों सौंप कर, जिसके बाद वो आदमी अपनी काली करतूत करना शुरू कर देते हैं। वेल, यहाँ पर रिन अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ पैर बंधे होने की वजह से रिन अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाती। लेकिन रिन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि उस होटल में योंजो भी पहुंचा हुआ था होटल मैनेजर से होटल की बुकिंग के बारे में बात करने के लिए। वेल, यहाँ पर होटल मैनेजर से योंजो बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से योंजो और योंजो का असिस्टेंट रूम से आती हुई आवाजें सुन लेते हैं, जिसके बाद होना क्या था, योंजो और उसका असिस्टेंट 2 मिनट में रूम के गेट को तोड़कर उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं और तुरंत ही उन्हें पुलिस के हवाले सौंप देते हैं। साथ साथ ये सब कुछ रिन के साथ हो रहा था, जिसे देखकर योंजो काफी गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही होटल मैनेजर से डील को तोड़ देता है। वेल, सबके सब तो रूम से बाहर जा चुके थे, लेकिन स्टिल योंजो और रिन अभी
भी रूम में थे जहाँ पर रन काफ़ी नशे के हालात में थी, जिसके चलते रन बार बार योंजू को अपनी तरफ खींच रही थी इंटीमेट होने के लिए। यहाँ पर योंजू पूरी कोशिश करता है रन को रोकने की, क्योंकि उसे मालूम है कि रन अभी नशे में है, तो अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर लेती है तो कहीं बाद में रन को अफसोस ना हो। जिस पर योंजू बार बार रन को रिमाइंड करने की कोशिश करवाता है कि उसे मालूम तो है ना वो अभी किसके साथ है और उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो कौन है, लेकिन रिन साफ साफ योंजू से कह देती है कि उसे मालूम है कि ये योंजू है और साथ ही साथ वो चाहती है योंजू के साथ इंटीमेट होना, जिसके बाद योंजू भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों के दोनों पूरी रात एक साथ गुजारते हैं। वेल, अब जब नेक्स्ट डे रिन की आंखें खुलती है तो वो काफी शॉक में थी, क्योंकि उसने नशे की हालत में काफी उल्टे सीधे काम कर लिए थे, जिसके चलते रिन वहां से भागने ही वाली थी कि तभी योंजू रिन को रोक लेता है। यहाँ पर योंजू रिन से कहने लगता है कि तुम्हें याद नहीं पिछली रात क्या हुआ था, जिस पर रिन योंजू से डरते हुए कहने लग जाती है कि नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ था हमारे बीच में, जिस पर योंजू तुरंत रिन को अपनी तरफ खींच कर कहने लगता है कि ठीक है अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें दोबारा से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। और फिर होना क्या था, योंजू रिन के साथ एक बार फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करता है और रिन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि रिन भी योंजू के लिए फील करती थी, जिसके बाद एक बार फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में यांग और यूली एक साथ खेल रहे थे कि तभी अचानक से यांग के रूम में रिन घुस जाती है। यूली अपने आप को छुपाना चाहती थी, जिसके चलते यूली तुरंत ही पर्दे के पीछे चली जाती है, लेकिन दोनों के दोनों बच्चे छोटे थे और रिन काफ़ी बड़ी थी उनके सामने, जिसके चलते रिन समझ चुकी थी कि पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ है। यहाँ पर रिन को ये चीज़ का शक था कि कहीं यांग किसी पेट को पाल ना रही हो अपने रूम में, जिसके चलते रिन तुरंत ही जो है यांग को बुद्धू बनाते हुए पर्दे को हटा देती है, लेकिन तुरंत ही यूली को अपने सामने देख कर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स यांग और यूली दोनों के दोनों सेम दिख रहे थे। जिसके बाद यांग और यूली दोनों को रिन अपने गले लगा देती है, क्योंकि रिन को थोड़ा थोड़ा सब कुछ समझ आने लग गया था। यहाँ पर रिन समझ चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उससे झूठ कहा था, एक्चुअली में उसके दोनों बच्चे जिंदा है। साथ साथ यूली रिन को बता चुकी थी कि योंजू उसके फादर है, जिस पर रिन समझ गई थी कि क्लब वाले दिन भी वो योंजू के साथ इंटीमेट हुई थी। यहाँ पर रिन चाहती तो योंजू को सब कुछ बता कर अपनी हैप्पी फैमिली शुरू कर सकती थी, लेकिन रिन अपने आप को रोक लेती है। यहाँ पर रिन को डर था कि जिस तरह से योंजू ने लिनचेन के साथ करा, कहीं योंजुन रिन के साथ भी वैसा ना करे, क्योंकि भले यहाँ पर लिनचेन ने योंजुन से झूठ बोला हो कि यूली उसकी बेटी है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी योंजुन कभी भी लिनचेन को यूली से मिलने नहीं देता। तो रिन को भी इसी चीज़ का डर था कि कहीं रिन जैसे योंजुन को बताएगी कि उसके ट्विन्स है, तो कहीं योंजुन अपनी पावर का यूज़ करते हुए रिन से उसकी आखिरी बेटी भी छीन ना ले, जिस वजह से रिन यांग और यूली को समझा देती है कि वो इस टॉपिक के बारे में किसी से भी डिस्कस ना करे, इवन योंजू को भी इस बारे में ना पता लगने दे। साथ साथ यहाँ पर रिन यूली को प्रॉमिस करती है कि वो भले यूली को इतना टाइम ना दे पाई हो, लेकिन आज के बाद से वो यूली को भी टाइम देगी अपना। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनचेन काफ़ी परेशान है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इसका योंजुन से कनेक्शन टूट गया तो उसके पैसों का खर्चा तो बढ़ने वाला है, लेकिन लिनचेन की मॉम के रहते हुए कभी भी लिनचेन के साथ बुरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर दोनों के दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान बनाते हैं और तुरंत ही पहुँच जाते हैं योंजुन के घर में उनकी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। यहाँ पर लिनचेन ग्रैंड माँ को देखते ही ग्रैंड माँ से कहने लगती है कि योंजुन एक कंपनी के साथ काम कर रहा है जहाँ की वाइस प्रेसिडेंट रिन है, जो कि योंजुन को सेड्यूस करने में लगी रहती है और उल्टा योंजुन भी उसके बहकावे में आने में लगा हुआ है, और पहली बार आज योंजुन ने मुझे रिन के सामने काफी तेज डांटा और उल्टा मुझसे ये भी कह दिया कि मैं उसकी बेटी से ना मिलूं आज के बाद। साथ साथ यहाँ पर लिनचेन थोड़ा रोने का भी दिखावा करती है और कहने लगती है कि मुझे मेरी बेटी से ही अलग करा जा रहा है, आप ही बताओ मैं क्या करूं, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं, जिसके चलते मैं योंजुन की बात मानूंगी और आज के बाद कभी भी आपके घर में नहीं आऊंगी। वेल, ऑफकोर्स यहाँ पर ग्रैंड माँ को जिस तरह से बातें बताई गई थी, जिसके चलते ग्रैंड माँ को लग रहा था कि शायद से लिनचेन काफ़ी निर्दोष और लिनचेन के साथ काफ़ी बुरा हुआ, जिसके बाद ग्रैंडमा कहने लगती है कि आज एक पार्टी है जिसमें कपल्स जाने वाले हैं, तो तुम आज योंजुन के साथ जाओगी और मैं योंजुन को कैसे भी रेडी कर लूंगी तुम्हारे साथ जाने के लिए। वेल, जिस पार्टी में लिनचेन और योंजुन जा रहे थे वो पार्टी थी जिनी और किम जाओ की, जिस पार्टी में रिन भी जाती है इनका चौपट करने के लिए। वेल, आज जिनी और किम जाओ किसी डीलर से बात कर रहे थे उनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जहाँ पर रिन भी अपनी कंपनी का प्रपोजल लेके जाती है उस पर्सन के साथ और कहती है कि आपको मेरे साथ वर्क करके काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो आदमी रिन को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, जिसके चलते वो जिनी और किम जाओ के साथ हाथ मिलाने में ज्यादा फायदा समझता है, जिस पर रिन तुरंत ही जो है जिनी और किम जाओ का पर्दाफाश उस आदमी के सामने कर देती है। यहाँ पर रिन अपने सारे प्रूफ्स के साथ आई हुई थी कि जिनी और किम जाओ जानबूझ के उस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो उस आदमी को लॉस में लाकर उसकी कंपनी हड़प सके। वेल, किम जाओ और जिनी की कंपनी ऑलरेडी चौपट में चली रही थी, लेकिन किम जाओ की जो भी मेहनत लगी थी उसमें
आते ही रिन ने पानी फेर दिया, जिसके चलते किमजाओ को रिन पर काफ़ी गुस्सा आता है और किमजाओ रिन पर हाथ उठा पाता कि सही टाइम पर वहाँ पर योनजुन आकर किमजाओ को रोक देता है। पर ऑफकोर्स किमजाओ को मालूम था कि उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो योनजुन है और किमजाओ की योनजुन के सामने बिल्कुल भी हैसियत नहीं है, जिसके चलते किमजाओ को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। विलब आगे किमजाओ और जिनी के वहाँ से जाते ही सारे लोग गॉसिप करने लग जाते हैं कि योनजुन आया लिनचेन के साथ था, लेकिन अब वो सपोर्ट रिन को कर रहा है। ये बात सुनते ही लिनचेन को हल्की जलन मचती है, जिसके चलते लिनचेन सभी लोगों के सामने योनजुन से चिपकने की सोचती है। लेकिन योनजुन को भी मालूम था कि वो यहाँ पर लिनचेन को सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडमा के कहने पर लेके आया हुआ है, अदरवाइज लिनचेन का योनजुन के ऊपर कोई भी हक नहीं बनता, जिसके चलते योनजुन लिनचेन को खुद से दूर करता है और इनके साथ बाहर निकल जाता है। मेल बाहर जाते ही रिन योनजुन से तो सबसे पहले थैंक यू कहती है, क्योंकि एक बार फिर से योनजुन ने रिन की जान बचाई। साथ साथ यहाँ पर रिन योनजुन से पूछने लगती है कि उसने आज तक कभी भी लिनचेन से शादी क्यों नहीं करी। ये बात सुनने के बाद योनजुन रिन को टीस करने लगता है कि कहीं तुम्हें पिछली रात की वजह से मुझसे लगाव तो नहीं हो गया, जिसके चलते तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। वेल, रिन योनजुन को तो कुछ नहीं बता सकती थी, जिसके चलते रिन यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म कर देती है कि तभी अचानक से योनजुन की नज़र पड़ती है दूर खड़े आदमी पर, जो कि और कोई नहीं होटल का मैनेजर था। योनजुन समझ चुका था कि वो किसी मकसद से यहाँ पर आया हुआ है, जिसके चलते योनजुन रिन को वहीं पर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। वेल, अब रिन अकेली थी, जिसके चलते रिन के पास एक बार फिर से किमजाओ आता है, वो भी साथ साथ एक ड्रिंक को लेकर। किमजाओ यहाँ पर रिन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि माफ़ी के बदले में मेरी ये ड्रिंक एक्सेप्ट करो तुम। लेकिन अब रिन पुरानी वाली रिन तोड़ना थी, जो कि किसी के भी बहकावे में आ जाएगी। यहाँ पर रिन को मालूम था कि पक्का किमजाओ ने इस ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिलाया होगा, जिसके चलते रिन कोई और ड्रिंक पकड़ लेती है और किमजाओ से कहती है कि तुम मुझे ड्रिंक पी के दिखाओ, और रिन का गेस सही जाता है, किमजाओ उस ड्रिंक को पीता तक नहीं है, जिसके चलते रिन तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ी हुई ड्रिंक को किमजाओ के मुंह पे मार देती है, वो भी सभी लोगों के सामने, जिसकी वजह से किमजाओ के एक बार फिर से सभी लोगों के सामने मजाक बन जाता है। मतलब रिन वहां से चली जाती है कि तभी अचानक से रिन नोटिस करती है कुछ गुंडों को, जिन्होंने लिनचेन को गिरफ्त में ले रखा था अपनी। वेल, यहाँ पर उन गुंडों को लग रहा था कि शायद से वो योनजुन की लवर है। यहाँ पर रिन उन गुंडों के थोड़े करीब जाकर चुपचाप से कहीं छुप जाती है, ताकि वो तुरंत ही उन गुंडों को पकड़कर लिनचेन को बचा सके, लेकिन गलती से रिन के पैरों से आवाज़ हो जाती है। भले ही रिन ने लिनचेन का अच्छा सोचा था, लेकिन लिनचेन कभी भी रिन का अच्छा नहीं सोची। लिनचेन को जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये छुपा हुआ पर्सन और कोई नहीं रिन है, जिसके चलते लिनचेन उन गुंडों से कहने लग जाती है कि योनजुन की लवर रिन है, ना कि मैं। योनजुन तो बल्कि मुझसे प्यार तक नहीं करता। यहाँ पर लिनचेन की बात सुनकर सारे गुंडे रिन के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर रिन काफ़ी तेज़ भागकर एक कोने में जाकर छुप जाती है कि तभी अचानक से रिन के पीछे योनजुन आ जाता है। वेल, योनजुन को देखकर रिन काफ़ी खुश थी, जिसके बाद योनजुन के साथ मिलकर रिन एक प्लान बनाती है, जिस प्लान में रिन गुंडों के हाथों पकड़ी जाएगी और जहाँ कहीं भी गुंडे लेके जाते हैं रिन को, वहाँ तक चली जाएगी। इसे होगा यूं कि रिन को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि इन गुंडों का असली मकसद क्या है और इन सब चीज़ के काम के पीछे कौन कौन मिला हुआ है इन गुंडों के साथ। और इसी बीच में योनजुन भी पुलिस वालों को कॉल कर रिन के पीछे पीछे रहेगा, ताकि जैसे ही ये गुंडे कुछ उल्टा सीधा काम करे तो योनजुन तुरंत ही पुलिस वालों के साथ पहुँच कर इन गुंडों को पकड़ ले। और फिर होना क्या था, रिन एक बार फिर से उन गुंडों की आंखों के सामने आ जाते और भागना शुरू कर देती है, और देखते ही देखते गुंडे रिन को पकड़ लेते हैं। पर यहाँ पर आ जाता है हल्का सा ट्विस्ट, योनजुन रिन को मुसीबत में नहीं डाल सकता था, जिसके चलते योनजुन तुरंत ही गुंडों के सामने खड़े हो जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम रिन को ले जाना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़के दिखाओ। और जो योनजुन इतनी मस्त तरीके से फाइट करा करता था, आज वही योनजुन गुंडों के हाथों पिट कर रिन के साथ बंदी बन जाता है। वेलब रिन और योनजुन तो बन चुके थे, जहाँ पर रिन एक बार फिर से योनजुन से उसकी पूरी लव स्टोरी सुनती है, और योनजुन भी यहाँ पर रिन को सब कुछ बता देता है कि एक्चुअली में वो लिनचेन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लिनचेन सिर्फ और सिर्फ यूली की मॉम है, जिसके चलते उसने लिनचेन को अभी तक अपने घर में रखा हुआ है। यहाँ पर रिन और योनजुन आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं, जो कि योनजुन और रिन को शांत करवाते हैं। लेकिन योनजुन भी काफ़ी चलाक था, यहाँ पर योनजुन गुंडों से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। साथ साथ यहाँ पर योनजुन उसको ये भी लालच देता है कि तुम्हारी खुद की भी एक फैमिली है, तो क्यों तुम खामखा गिरफ्तार होगे, इससे अच्छा मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और तुरंत ही तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर गुंडों को भी योनजुन का प्लान काफ़ी पसंद आता है, जिसके चलते गुंडों के फ़ोन से योनजुन अपने घर में कॉल मिलाता है और अपनी
बेटी से कहता है 10 मिलियन गुंडों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। मतलब आप लोग सोचो कि 5 साल की बेटी जो है वो लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर पा रही है। वेल, गुंडे लोगों के जाने के बाद तुरंत ही वहां पर वो पर्सन आ जाता है जिसने सारा का सारा सीन करवाया था, और ये पर्सन और कोई नहीं होटल का मैनेजर था। वेल, वो होटल का मैनेजर योनजुन को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसकी वजह से जो है उसका भाई आज जेल में है, और ऑफ कोर्स योनजुन को सबक सिखाने के लिए रिन से अच्छा ऑप्शन होटल के मैनेजर के पास कोई भी नहीं था, जिसके बाद होटल का मैनेजर रिन के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मैनेजर अपनी लिमिट क्रॉस कर पाता है, सही टाइम पर योनजुन अपने हाथ को खोलकर उस होटल मैनेजर को ढंग से पीट देता है, या फिर मैं ये कहूँ कि असलियत में तो योनजुन के हाथ बंधे हुए ही नहीं थे। योनजुन सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठकर नाटक कर रहा था और साथ साथ वेट कर रहा था इस मैनेजर के आने का। मतलब कुछ ही देर में असिस्टेंट और उसके साथ साथ पुलिस वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो कि तुरंत ही आते ही मैनेजर को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि असलियत में तो योनजुन अपनी प्लानिंग करके आया हुआ था। उसने प्लानिंग तभी से ही शुरू कर ली थी जब उसने पार्टी वाली लोकेशन में मैनेजर को देखा था। अब आगे जिनी सही सलामत अपने घर पहुंचकर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाती है कल की प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि रिन अब रेडी हो चुकी थी लास्ट एंड फाइनल बार किमजा और जिनी से लड़ने के लिए। वेल, नेक्स्ट डे पे सीन शिफ्ट होता है जहां पर जिनी और किमजा काफी स्ट्रेस में थे क्योंकि कोई भी इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही इनके पास कोई सेविंग थी जिसके थ्रू ये अपनी कंपनी को बचा सके। कि तभी अचानक से कंपनी में एंट्री लेती है रिन। वेल, यहाँ पर रिन को देखकर दोनों के ही चेहरे पे काफी आशा की किरण चमकने लग जाती है। यहाँ पर ये लोग रिन से कहने लगते हैं कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो एटलीस्ट हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। यहाँ पर रिन भी इन्वेस्ट के लिए तो तैयार थी, लेकिन रिन अपनी एक शर्त के साथ भी आई थी। यहाँ पर रिन की शर्त ये थी कि वो इन्वेस्ट तो कर देगी कंपनी में, लेकिन कंपनी में जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा रिन के हाथों में जाएगा। वेल, ऑफ कोर्स जब तक रिन जिनी और किमचाओ की हेल्प करने के लिए तैयार थी तब तक तो जिनी और किमचाओ को अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही रिन ने अपनी प्रॉफिट की बात करी तो दोनों के दोनों आग बबूला हो जाते हैं, जिस पर जिनी तुरंत ही वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल फाड़ देती है और कहने लगती है कि मुझे ये शर्ट बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन रिन भी काफी चिल माइंडेड होकर आई थी। रिन साफ साफ जिनी से कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक और दिन का टाइम देती हूँ, तुम आराम से सोच के बताना, वैसे भी मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के काफी सारे प्रिंट आउट्स निकाले हुए हैं। वेल, अब यहाँ पर धीरे धीरे जिनी और किमजाओ को लगने लगता है कि हाँ, उन्हें रिन की बात सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई इनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ये उल्टा रोड में आ जाएंगे, जिसके चलते जिनी तुरंत ही रिन को टी ऑफर करती है और साथ ही साथ जो है उन पेपर्स में साइन कर देती है। जिसके बाद होता कुछ यूं है, जैसे ही जिनी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में साइन करती है तो तुरंत ही रिन जिनी से कहती है कि मैं ये कॉफी नहीं पीने वाली हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने तुम्हारे हाथ की कॉफी पी थी तो तुमने मुझे किसी के हाथों सौंप दिया था, वो भी पैसों के बदले में। यहाँ पर जिनी अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए रिन से एक तो बात कर रही है, लेकिन रिन के इतने अजीब से बिहेवियर को देखकर इस बार जिनी कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसके बाद जिनी और किमजाओ दोनों के दोनों नाइफ लेके रेडी हो जाती है एक बार फिर से रिन को खत्म करने के लिए, जैसे उन्होंने पिछली बार रिन को खत्म किया था। लेकिन जैसे ही जिनी रिन को मार पाती, सही टाइम पर रूम में पुलिस वाले घुस जाते हैं, जो कि आते ही जिनी और किमजाओ को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर जिनी पुलिस वालों को कहने लगती है कि हमने इसे नहीं मारने की कोशिश की, उल्टा ये हमें मारना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर रिन भी पूरी प्लानिंग के साथ थे। रिन जब एंट्री मारी थी से पहले ही रिन ने लाइव सेशन ऑन कर लिया था, जिसके चलते जो कुछ भी जिनी और किमजाओ ने रिन से कहा है यहाँ पर वो सारा का सारा पब्लिकली पब्लिश्ड हो चुका है, और इतना सबूत काफी था किमजाओ और जिनी के करियर को बर्बाद करने के लिए, जिसके बाद पुलिस वाले जिनी और किमजाओ को वहां से लेके चले जाते हैं। मतलब वहीं पे दूसरी तरफ लिंचिन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तुरंत ही योनजू के घर में पहुंच जाती है, और योनजू की ग्रैंडमा से कहने लगती है कि पार्टी में एक बार फिर से वही रिन आई हुई थी जिसकी वजह से योनजू ने मेरे को छोड़ दिया और उल्टा रिन का सपोर्ट करा, साथ साथ योनजू की जिससे मुझे इतनी सारी चोट भी आ गई। वेल, ये बात सुनते ही योनजू की ग्रैंडमा को काफी गुस्सा आता है रिन के ऊपर, जिसके चलते योनजू की ग्रैंडमा तुरंत ही निकल जाती है रिन से मिलने के लिए। वेल, यहाँ पर योनजू की ग्रैंडमा नान कंपनी में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद ग्रैंडमा को मालूम पड़ता है कि वाइस प्रेसिडेंट किसी काम से बाहर गई हुई है, जिसकी वजह से वो ग्रैंडमा से नहीं मिल पाएगी। वेल, वाइस प्रेसिडेंट से तो योनजू की ग्रैंडमा नहीं मिल पाए, जिसके बाद योनजू की ग्रैंडमा मॉल के लिए निकल जाती है ताकि वो अपनी पोती यूली के लिए कुछ कपड़े खरीद सके। लेकिन यहाँ पर कोइंसिडेंटली योनजू की जिस मॉल में जाती है कपड़े खरीदने के लिए, उसी मॉल में रिन भी मौजूद थी और दोनों के दोनों सेम सेक्शन से कपड़े खरीद रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स यांग और यूली की एज और हाइट सेम है। जिसके बाद जब योनजू की ग्रैंडमा कपड़े खरीद रही थी कि तभी अचानक से एक चोर योनजू की ग्रैंडमा के पर्स से पैसे चुराने वाला था, जिसे रिन जैसी नोटिस करती है तो तुरंत ही योनजू की ग्रैंडमा से कहने लगती है कि मम्मी, मैंने काफी कपड़े खरीद लिए हैं, अब हम यहां से चलते हैं। ये सब कुछ रिन ने इसलिए करा था ताकि वो चोर वहां से तुरंत ही भाग जाए, लेकिन वो चोर भी शातिर था, वो अपने साथ नाइफ लेके आया हुआ था, बट
किरण भी कम नहीं थी। रिन तुरंत ही अपने पर्स से ब्लैक पेपर निकाल कर तुरंत ही उसकी आंखों में छिड़क देती है और गार्ड को ऑर्डर देती है उसे वहां से निकालने के लिए। मिल यहाँ पर ग्रैंड माँ के लिए रिन एक अनजान लड़की थी, क्योंकि ग्रैंड माँ को मालूम नहीं था कि जिस वाइस प्रेसिडेंट को वो ढूंढ रही है वो रिन ही है। जिसके चलते रिन की बहादुरी को देख कर ग्रैंड माँ रिन से काफी इम्प्रेस्ड हो चुकी थी, क्योंकि अगर रिन वहां पर सही टाइम पे नहीं आती तो शायद से वो चोर ग्रैंड माँ को ही मार देता। जिसके बाद ग्रैंड माँ और रिन साथ में मिलकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ग्रैंड माँ काफी ओल्ड फैशन वाली थी और रिन काफी यंग फैशन की, जिसके चलते रिन मदद करती है ग्रैंड माँ के कपड़े खरीदने में। साथ ही साथ रिन जो कुछ भी कपड़े यंग के लिए खरीदती है उन सारे कपड़ों का बिल ग्रैंड माँ पे करती है, क्योंकि रिन ने उनकी आज हेल्प करी थी। इवन यहाँ पर ग्रैंड माँ और रिन की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, जिसके चलते ग्रैंड माँ रिन को अपने वी चैट में ज्वाइन कर लेती है ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिन को अपने घर में बुलाकर उसे अच्छी सी ट्रीट दे सके। रात को अब जब योंजू घर पहुंचता है तो यहाँ पर ग्रैंड माँ योंजू पे काफी चिल्लाती है, क्योंकि योंजू दो माँ बेटी यानी कि ली चेन और यूली को अलग कर रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं होती। फिर ग्रैंड माँ की बात सुनने के बाद योंजू ग्रैंड माँ से कहता है कि ठीक है, ली चेन को एक महीने के लिए हम अपने घर में बुला लेते हैं, जिससे यूली के वो ज्यादा कनेक्ट रह सके। लेकिन एक मंथ हो जाने के बावजूद भी यूली को अगर ली चेन पसंद नहीं आई तो उसके बाद आप कुछ मत कहना और ना ही मैं कभी ली चेन से शादी करूंगा। जब इस खबर के बारे में ली चेन को मालूम पड़ता है तो ली चेन काफी खुश जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एटलीस्ट योंजू के घर में रहकर ली चेन कैसे भी करके यूली का तो दिल जीत ही लेगी। पर ली चेन यूली को तब इम्प्रेस कर पाएगी ना जब यूली के मन में ली चेन के लिए अच्छाई हो। यूली को तो मालूम है कि ली चेन काफी खराब औरत है, जिसके चलते यूली ली चेन को भाव तक नहीं देती। वेल, यूली को इम्प्रेस करने के लिए ली चेन अब किचन में चली जाती है सूप बनाने के लिए, जहाँ पर ली चेन किचन में गई थी कि इतने में रिन आ जाती है उनके घर में। यहाँ पर रिन यूली को देखकर काफी शॉक्ड हो गई थी, जिसके बाद रिन को मालूम पड़ जाता है कि जिस बूढ़ी औरत को रिन ने मॉल में देखा था वो और किसी की ग्रैंड माँ नहीं यूली की ग्रैंड माँ है। वेल ऑफकोर्स यूली को तो रिन पसंद थी, जिसके चलते यूली और रिन एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही ली चेन किचन से बाहर आती है तो वो हक्का बक्का रह जाती है। वेल थोड़ी देर में यहाँ पर योंजू और ग्रैंड माँ भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ के आते ही ग्रैंड माँ को मालूम पड़ जाता है कि ली चेन इतने टाइम से जिस लड़की की बात करती थी वो और कोई नहीं रिन है। ली चेन को लग रहा था कि शायद से ग्रैंड माँ उसका सपोर्ट करेगी, बट यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। ग्रैंड माँ ली चेन से कहने लगती है कि शायद से ही तुमसे कुछ गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि मुझे रिन को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगा कि रिन ऐसी टाइप की लड़की होगी। साथ ही साथ यहाँ पर यूली रिन से काफी अच्छे से पेश आ रही थी, जिसके चलते ग्रैंड माँ ली चेन से कहने लगती है कि तुम्हें रिन से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो कितनी अच्छी तरह से यूली से बात कर रही है और उल्टा यूली को भी रिन पसंद आ रखी है। यहाँ पर यूली रिन से रिक्वेस्ट करती है कुछ देर और घर में रुकने के लिए, और रिन भी खुशी खुशी हाँ कह देती है, क्योंकि इसी बहाने रिन को मौका मिल जाएगा यूली के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करने का। लेकिन ये सारा चीज देखकर ली चेन काफी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि जो कुछ भी उसने प्लान करा था वो एक एक करके खराब होते जा रहा था। जिसके बाद जब रिन और यूली साथ में खेल रहे थे तो रिन कुछ देर के लिए रूम में चली जाती है पानी लाने के लिए। इतने में ली चेन गुंडों के हाथों यूली को किडनैप करवा लेती है। यहाँ पर जिसने यूली को किडनैप करा था वो रिन को हिंट देने के लिए फुटबॉल के ऊपर एक लोकेशन लिख के चले जाता है, ताकि वहां पर जाकर रिन यूली को बचा ले। और रिन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते रिन किसी को बताए बिना ही वहां से निकल जाती है यूली को बचाने के लिए। और यहीं पे ली चेन जो अपनी बाजी खेल लेती है। ली चेन तुरंत ही घर में जाती है और कहने लगती है कि ना बाहर यूली है ना ही रिन मौजूद है। साथ साथ यहाँ पर ली चेन कहने लगती है कि शायद से मुझे शक हो रखा है रिन पर, शायद से रिन जो है काफी बुरे लोगों में से एक है, उसी ने जो है यूली को किडनैप करा होगा पक्का। अगर यहाँ पर यूली की जगह किसी और के बारे में लिंचेन ने कहा हुआ होता तो शायद से योंजू लिंचेन की बात पर यकीन नहीं करता और रिन पर ट्रस्ट करता, लेकिन अभी बात आई हुई है यूली पर। और ऑफ कोर्स यूली योंजू के लिए काफी प्रीशियस है, जिस वजह से योंजू को लगने लगता है कि शायद से लिंचेन सच कह रही है और एक्चुअली में रिन खराब है। रिन जानबूझ के उनके घर में एंट्री ली ताकि वो यूली को किडनैप कर सके। वहीं पर दूसरी तरफ रिन यूली को ढूंढते ढूंढते फाइनली यूली के पास पहुंच जाती है, जहां पर यूली को एक बॉम्ब से बांधा हुआ था। यहां पर यूली रिन को वहां से भागने के लिए कहती है, अदरवाइज दोनों के दोनों मारे जाएंगे। लेकिन रिन किसी भी कीमत पर यूली को ऐसी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इतने टाइम बाद रिन को यूली मिली है तो रिन नहीं चाहती थी कि वो एक बार फिर से यूली को खो दे। जिसके बाद रिन कैसे भी करके यूली को वहां से आजाद करती है और थोड़ा आगे जा पाती है कि तभी अचानक से वहां पर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से रिन और यूली दोनों को चोट आती है, बट यूली बेहोश जाती है कि तभी अचानक से कुछ ही देर में वहां पर योंजू और ग्रैंडमा भी पहुंच जाते हैं। ऑफ कोर्स यूली तो बेहोश थी, जिसके चलते उनको कुछ भी सच मालूम नहीं था और उन्हें लग रहा था कि शायद से ये सब कुछ रिन की वजह से हुआ है। जिसके बाद सभी के सभी सबसे पहले यूली को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिर लग जाते हैं रिन को सुनाने के लिए। लेकिन रिन अपनी तरफ से एक शब्द तक नहीं कहती, रिन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था कि यूली सेफ रहे। यहाँ पर योंजू को डॉक्टर आके बताता है कि यूली का काफी ब्लड लॉस हुआ है, जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द ओ टाइप ब्लड चाहिए।
वेल योंजू का तो वो ब्लड टाइप था ही नहीं, और बच्चे का ब्लड या तो फिर मम्मी पे जाता है या फिर पापा पे, तो जब योंजू का ब्लड टाइप वो है नहीं तो यानी कि लिनचेन का ब्लड टाइप होगा वो। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ पर एक नर्स आती है और लिनचेन को अपने साथ लेके चली जाती है ब्लड चेक करने के लिए। इतने में वहाँ पर योंजू का असिस्टेंट आकर योंजू को बताता है कि रिन का भी ब्लड टाइप ओ ही है, जिस पर योंजू रिन से कहने लगता है कि तुम्हें अब ब्लड अपना देना पड़ेगा, लेकिन रिन साफ साफ योंजू को मना कर देती है। वेल यहाँ पर ऐसा नहीं था कि रिन यूली को बचाना नहीं चाहती थी, बट एक्चुअली में रिन ने इसलिए मना करा था क्योंकि अगर वो ब्लड देने बैठी अपना तो सभी लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि यूली की असली मॉम लिनचेन नहीं बल्कि रिन है। पर जब इंसान नेगेटिव सोचने लग जाता है तो वो और भी ज्यादा नेगेटिव की तरफ बढ़ता ही रहता है, जिसके चलते अब योंजू को ये लगता है कि शायद से उसने गलती करी रिन पे विश्वास करके, बल्कि रिन तो काफी ग्रीडी लड़की है। जिसके बाद तुरंत ही योंजू अपनी असिस्टेंट से कहकर रिन को तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता है। वेल रिन के बाहर जाती ही वहाँ पर नर्स भी आ जाती है, जो कि योंजू और ग्रैंडमा को बताती है कि लिनचेन का ब्लड यूली से मैच नहीं हो रहा। वेल ये बात सुनते ही योंजू और ग्रैंडमा काफी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि अभी तक जो उन्हें लग रहा था कि शायद से वो यूली की मॉम है वो सब कुछ झूठ था, लिनचेन एक्चुअली में यूली की माँ है ही नहीं। पर तभी एक गुड न्यूज़ भी इनको मिल जाती है कि किसी ने अपना ब्लड डोनेट करा है, जिसके बाद फाइनली यूली का ऑपरेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ पर ग्रैंडमा काफी थक चुकी थी, साथ साथ उन्हें जस्ट अभी लिनचेन की असलियत के बारे में भी मालूम पड़ा था, जिसके बाद योंजू ग्रैंडमा को तुरंत ही वहाँ से भेज देता है। ग्रैंडमा के जाते ही योंजू ढंग से लिनचेन से निपटता है और फाइनली योंजू को मालूम पड़ जाता है कि यूली की असली माँ और कोई नहीं रिन है। मतलब नेक्स्ट सीन में रिन यहाँ पर नर्स के गेटअप में यूली से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि अगर योंजू रिन को देख लेगा तो वो रिन को कभी भी यूली से मिलने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रिन और यूली आपस में मिल ही रहे थे कि इतने में रूम में योंजू घुस जाता है, जिसे फील हो चुका था कि नर्स के गेटअप में रिन मौजूद है। वेल यहाँ पर योंजू रिन के सामने कन्फेस कर देता है कि उसे सब कुछ मालूम पड़ चुका है। योंजू को ये मालूम पड़ चुका है कि असलियत में रिन कौन है, 5 साल पहले क्या हुआ था, साथ साथ यूली की असली माँ कौन है। जिसके बाद रिन भी योंजू को बता देती है कि एक्चुअली में उसकी सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि 2-2 बेटी है, एक्चुअली में योंजू की ट्विन्स है। वेल ये खबर सुनकर योंजू काफी खुश होता है और फाइनली योंजू भी अपनी दूसरी बेटी यानी कि यांग से मिल पाता है, और यांग भी यहाँ पर काफी खुश थी क्योंकि फाइनली वो इतने टाइम बाद अपने फादर से मिल पाई। वेल अब नेक्स्ट सीन में योंजू और रिन आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर योंजू रिन से कहने लगता है कि उन्हें अब एक साथ रहना चाहिए क्योंकि दोनों ही बच्चे हमेशा से अलग रहते आए हैं, तो उनमें से एक अपनी माँ के लिए तरसी है और दूसरा अपने पापा के लिए। वेल रिन भी चाहती थी कि ऑफ कोर्स उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो पाए, लेकिन रिन को वही बात सता रही थी कि कहीं आगे चल के योंजू दोनों बेटी को रिन से छीन ना ले, जिस पर रिन योंजू के सामने अपनी 3 शर्त रखती है। मतलब रिन की पहली शर्त ये थी कि यांग और यूली 5 साल बाद थोड़े बड़े होकर समझदार भी हो जाएंगे, तो वो जिनके साथ रहना चाहे रह सकते हैं, कोई भी दूसरा पर्सन उन्हें फोर्स नहीं करेगा उनके साथ रहने के लिए। वहीं पर रिन की दूसरी शर्त ये थी कि भले ही योंजू और रिन कुछ टाइम के लिए हस्बैंड वाइफ रहने वाले हैं, लेकिन वो शादी अपनी धूमधाम से नहीं करेंगी क्योंकि वो किसी को भी ये बात पता लगने नहीं देना चाहते। साथ ही साथ योंजू और रिन एक हस्बैंड वाइफ कहलाने लगेंगे, लेकिन रिन कभी भी वाइफ वाले काम योंजू के नहीं करेगी। वेल योंजू ये सारी की सारी रिन की शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद रिन और यांग मिलकर योंजू के घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वेल यहाँ पर ग्रैंडमा भी काफी खुश थे रिन को अपने घर में देखकर, साथ साथ ग्रैंडमा रिन से माफी मांगती है क्योंकि पिछली बार ग्रैंडमा ने रिन पर शक करा। साथ साथ ग्रैंडमा यहाँ पर ये बात भी कन्फेस करती है कि उन्हें कभी भी लिनचेन पसंद नहीं आई, लेकिन यूली की वो माँ थी जिसके चलते उन्हें जबरदस्ती लिनचेन को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। लेकिन जब से उन्हें मालूम पड़ा है कि एक्चुअली में यूली की मॉम रिन है ना कि लिनचेन, जिस वजह से ग्रैंडमा काफी खुश है। वेल अब नेक्स्ट सीन में लिनचेन अभी भी जिंदा है, जिसके चलते वो योंजू और रिन को खुश बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, जिस वजह से लिनचेन तुरंत यांग को उसके स्कूल से किडनैप कर लेती है। वेल यहाँ पर लिनचेन योंजू और रिन को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर लिनचेन योंजू से कहती है कि अगर वो यांग को सही सलामत देखना चाहता है तो उसे सबसे पहले जो है रिन के फेस को खराब करना पड़ेगा। लेकिन लिनचेन को ये भी मालूम था कि योंजू कभी भी ये काम नहीं करने वाला, जिसके चलते लिनचेन सीधा रिन को मारने के लिए भागती है। लेकिन इससे पहले कि लिनचेन रिन को मार पाती, योंजू रिन के सामने आ जाता है, जिस वजह से लिनचेन गलती से योंजू को ही स्टैब कर देती है। और फिर होना क्या था, लिनचेन ने इतनी बड़ी गलती करी थी जिसके चलते लिनचेन को तुरंत ही पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वहीं पे योंजू को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां पर रिन काफी दुखी थी क्योंकि अंदर से तो वो योंजू को काफी अच्छा माना करती है। बट ऑफ कोर्स रिन की दुआ काम आती है, जहां पर योंजू को इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी हुई थी, जिसके चलते फाइनली योंजू सेफ हो जाता है। मतलब कुछ टाइम बाद योंजू डिस्चार्ज हो चुका था, जहां पर रिन योंजू से थैंक यू बोलने के लिए उसके रूम में गई हुई थी, लेकिन योंजू तो उसी टाइम पर ठीक ना के आ रहा था, जिसे देखकर रिन जैसे योंजू के रूम से जाने वाली थी कि तभी योंजू रिन को रोक लेता है। वेल यहाँ पर फाइनली योंजू रिन को अपनी सारी की सारी फीलिंग्स बता देता है कि वो उसको कितना ज्यादा प्यार करता है।
वहीं पे रिन भी अब रोक नहीं पाती अपने आप को और योंजू को बता देती है कि एक्चुअली में रिन भी योंजू को काफी पसंद करती है। लेकिन पिछली बार जब रिन ने योंजू से उसकी शर्तें बताई थी कि वो कभी भी योंजू के साथ वाइफ की तरह नहीं रहेगी, तो योंजू ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके चलते रिन अपनी फीलिंग बताने के लिए रुक गई। जिस पर योंजू रिन के सारे डाउट्स क्लियर करते हुए रिन को बताता है कि उसने पिछली बार रिन की सारी शर्तें इसलिए एक्सेप्ट करी क्योंकि उसे नहीं पता था रिन की फीलिंग के बारे में, और योंजू का सिर्फ और सिर्फ मेन गोल ये था कि वो कैसे भी करके रिन को अपने घर में लेके आ जाए, फिर फीलिंग का क्या है, वो कैसे ना कैसे करके रिन को तो इम्प्रेस कर ही लेगा। वेल फाइनली दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता दी थी, जिसके बाद होना क्या था, योंजू और रिन पूरी रात एक साथ स्पेंड करते हैं। तब नेक्स्ट डे ग्रैंड माँ योंजू और रिन से मिलने के लिए आती है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद यांग और यूली का बर्थडे आने वाला था, और ग्रैंड माँ चाहती थी कि बर्थडे वाले दिन ही जो है सभी लोगों को वो योंजू और रिन के लव मैरिज के बारे में भी बता दे, और जो रिन अभी तक सोच रही थी कि वो किसी को भी पब्लिकली नहीं बताएगी, फाइनली वो रिन अपना माइंडसेट चेंज कर लेती है और डिसाइड करती है कि वो सभी लोगों को अपने लव मैरिज के बारे में बता देंगे। कुछ ही दिनों बाद यांग और यूली का बर्थडे आ जाता है, जहां पर योंजू सभी लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि आज के बाद उसकी एक नहीं दो बेटियां हैं। साथ साथ यहां पर एक फनी सीन दिखाया जाता है जहां पर योंजू की एक बहुत बड़ी फैन योंजू के घर में चुपचाप से घुस जाती है और योंजू को देखकर उसे चिपकते हुए उसको इंप्रेस करने की कोशिश करती है, और योंजू को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी दो बेटी है तो क्या हुआ, मैं उन्हें मैनेज कर लूंगी, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ रहना है। वेल ये सारा का सारा सीन रिन भी वहीं पे बैठकर देख रही थी, जिस वजह से रिन को काफ़ी जलन मच रही थी। यहाँ पर रिन भी योंजू के बगल में खड़े होकर कहने लग जाती है कि योंजू आप ही बताओ आप किसके साथ रहोगे, जिस पर वो फैन गर्ल रिन को मस्का लगाते हुए कहने लगती है कि आपको तो और भी ज़्यादा जवान जवान लड़के मिल जाएंगे, मेरे कॉन्टेक्ट में और भी जवान लड़के हैं, मैं वो आपको सौंप दूंगी, लेकिन आप योंजू को छोड़ दो। वेल रिन अपने आप को काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब रिन और ज़्यादा जेलस फील नहीं करवाना चाहती थी अपने आप को, जिसके बाद रिन तुरंत ही सभी लोगों के सामने योंजू को किस कर देती है, जिसके बाद उस फैन गर्ल को भी मालूम पड़ जाता है कि रिन योंजू की होने वाली वाइफ है, जिसके बाद तुरंत ही रिन गार्ड से कहकर उस फैन गर्ल को घर से बाहर निकलवा देती है। मतलब ड्रामे के एंड में योंजू सभी लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि उनकी दोनों बेटियों की माँ और कोई नहीं रिन है, जिससे वो बहुत जल्द शादी करने वाला है, और यहीं पे हमारे ड्रामा एंड होता है। मतलब आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।